वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। और फिर से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं और मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन है US टू सेंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड ट्रूप्स टू इज़राइल। देखिए जो US है टू सेंड, ये सेंड करने वाला है। यहाँ पे जो टू है गाइस ये इन्फिनिटिव है, इसका सेंस हो रहा है गोइंग टू के सेंस में। दैट मीन्स US कुछ करने वाला है। तो US इज प्लानिंग समथिंग। प्लानिंग वॉट? टू सेंड, कि सेंड करने का किस चीज़ को? मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। तो US क्या करने वाला है? भेजने वाला है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब देखिए ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसका आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्या होता है। मिसाइल डिफेंस मतलब कि मिसाइल से डिफेंड करने वाला सिस्टम। मतलब कि अगर किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से या किसी दूसरे कंट्री से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया जा रहा है तो ये जो सिस्टम है ये ना सिर्फ उस मिसाइल को ट्रैक कर सकता है बल्कि डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ऐसे सिस्टम को मिसाइल डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। तो US क्या भेजने वाला है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजने वाला है। एंड और क्या भेजने वाला है? ट्रूप्स को। ट्रूप का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सोल्जर और पुलिस इज कॉल्ड ट्रूप्स, राइट? तो ट्रूप्स भेजने वाला है, कि सैन्य फौज को भेजने वाला है। कहां पे? टू इसराइल। तो इसराइल में क्या भेजने वाला है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ट्रूप्स को भेजने वाला है इसराइल में। कौन? US। ये हो गया गाइस इसका हेडलाइन। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज। तो यहां से देखते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स विल सेंड अ टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड बैटरी टू इसराइल अलॉन्ग विद द ट्रूप्स नीडेड टू ऑपरेट इट, द पेंटागन सेड On Sunday, even as Iran warned Washington to keep American military forces out of Israel. देखिए the United States में कि जो US है will send, वो क्या करेगा? Send करेगा, भेजेगा। अब क्या भेजेगा? A terminal high altitude area defense, जिसको short में यहाँ पे THAAD बोला जा रहा है। तो ये जो area defense है basically ये क्या करता होगा? Missile से defend करता होगा। basically ये क्या है? Missile defense system है। तो ये जो THAAD है इसको भेजेगा, THAAD battery को। अब देखिए यहाँ पे जो बैटरी है ये वो वाला बैटरी नहीं है गाइस जो मोबाइल में यूज़ होता है, जिसको आप चार्ज करके यूज़ करते हो। दिस इज़ नॉट दैट, दिस इज समथिंग एल्स। यहाँ पे बैटरी का सेंस हो रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट के सेंस में, बल्कि सैन्य उपकरण के सेंस में। तो ये जो थर्ड बैटरी है, थर्ड उपकरण है, बल्कि जो सैन्य उपकरण है, इसको भेजेगा US किसको? टू इसराइल, इसराइल को। अलॉन्ग विथ का मतलब है किसी के साथ। तो इसके साथ US क्या भेजेगा? द ट्रूप्स, तो उन ट्रूप्स को। ट्रूप का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, मतलब सैन्य टुकड़ी। तो इसके साथ ट्रूप्स को भेजेगा नीडेड, जिसकी जरूरत पड़ेगी टू ऑपरेट, तो ऑपरेट करने के लिए। ऑपरेट का मतलब है चलाना किस चीज़ को? इट, मतलब ये जो थर्ड बैटरी है, थर्ड उपकरण है, इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको चलाने के लिए जो सैन्य फौज में जो सैन्य टुकड़ी की जरूरत पड़ेगी उसको भी भेजेगा US। द पेंटागन सेड, ऐसा पेंटागन ने कहा। कब कहा? ऑन संडे, तो संडे को। इवन एस, अब देखिए यहाँ पे इवन एस का सेंस हो रहा है इस एट द सेम टाइम कि वही। दूसरी ओर जो ईरान है, ईरान ने क्या किया? वॉर्न किया। मतलब कि एट द सेम टाइम ईरान ने वॉर्न भी किया। वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी देना। तो वॉर्न किया किसको? वॉशिंगटन को वॉर्न किया। टू कीप, तो कीप करने के लिए। कीप का मतलब है रखना। किसको? अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस। तो जो अमेरिकन जो सैन्य फोर्सेस है, बल है, उसको रखने के लिए वॉर्न किया आउट ऑफ इसराइल। तो इसराइल से बाहर रखने के लिए वॉर्न किया, चेतावनी दिया। किसने? ईरान ने। एट द सेम टाइम किसको चेतावनी दी? वॉशिंगटन को। क्या करने के लिए? अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस को बाहर रखने के लिए चेतावनी दी इसराइल से। तो इसराइल से बाहर रखने के लिए वॉर्न किया। मेजर जनरल पैट राइडर, पेंटागन स्पोक्स पर्सन सेड इन अ स्टेटमेंट। देखिए जो मेजर जनरल है जिनका नाम है पैट राइडर, जो कि कौन है? पेंटागन स्पोक्स पर्सन। तो इन्होंने क्या किया? सेड, कहा इन अ स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट में कहा, क्या कहा? दैट की डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, कि जो डिफेंस सेक्रेटरी है जिनका नाम है लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने क्या किया है? ऑथराइज किया है। ऑथराइज का क्या मतलब होता है? किसी काम को करने के लिए ऑफिशियली परमिशन, ऑफिशियल परमिशन देने को ऑथराइज करना कहते हैं। तो लॉयड ऑस्टिन ने ऑथराइज किया है, ऐसा मेजर जनरल पैट राइडर, जो कि पेंटागन के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन है, उन्होंने ऑथराइज किया है, परमिशन दिया है। किस चीज़ का? द डिप्लॉयमेंट का। देखिए डिप्लॉय का मतलब होता है गाइस तैनात करना, जैसे कि फौज हो गया या कोई सैन्य उपकरण हो गया, उसको आप कहीं पे डिप्लॉय कर रहे हो, दैट मीन्स आप तैनात कर रहे हो। और डिप्लॉय करने के काम को डिप्लॉयमेंट
करना कहते हैं। तो डिप्लॉयमेंट का ऑथराइज किया है। अब देखिए डिप्लॉयमेंट में तैनात करने का काम किस चीज़ को, द थर्ड बैटरी, तो ये जो थर्ड उपकरण है इसको डिप्लॉय करने का काम कहाँ पे, अब देखिए किस चीज़ पर, एट द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन पर, डायरेक्शन का मतलब होता है कि इस निर्देश या आदेश। अब किसके डायरेक्शन पर, ऑफ द प्रेसिडेंट जो बाइडन, तो जो बाइडन के डायरेक्शन पर ये जो थर्ड बैटरी है इसको डिप्लॉय करने का जो काम है उसको ऑथराइज किया है किसने, डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने। He said the system will help bolster Israel's air defense following Iran's ballistic missile attacks on Israel in April and October. देखिए he said, तो उन्होंने कहा the system, कि ये जो system है will help, ये क्या करेगा, help करेगा, मदद करेगा, क्या करने के लिए, bolster करने के। देखिए bolster का मतलब होता है कि किसी को मजबूत करना, मजबूत बनाना या strong बनाने को bolster करना कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो system है ये मदद करेगा bolster करने के लिए, मतलब मजबूत करने के लिए किस चीज़ को, इसराइल के एयर डिफेंस को, तो इसराइल का जो एयर डिफेंस है उसको bolster करने में ये system मदद करेगा। Following का मतलब होता है बात, तो बात किसके, ईरान, तो ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो अटैक था कहाँ पे, इसराइल, तो इसराइल पे अब कब किया ईरान ने अटैक, इन अप्रैल एंड अक्टूबर, तो अप्रैल और अक्टूबर में जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक किया था इसराइल पर, इसके बाद ये जो सिस्टम है विल हेल्प, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा बोल्स्टर करने के लिए, मतलब कि मजबूत करने के लिए इसराइल के एयर डिफेंस को, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। द डिलीवरी ऑफ द सोफिस्टिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम रिस्क्स फर्दर इन्फ्लेमिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन द वेस्ट एशिया डिस्पाइट वाइड स्प्रेड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू, देखिए द डिलीवरी, तो जो डिलीवरी है, अब डिलीवरी किस चीज़ का, ऑफ द सोफिस्टिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो या जटिल हो, उसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड। तो सोफिस्टिकेटेड क्या, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो ये इसका जो डिलीवरी है ये रिस्क करता है, मतलब ये खतरे में डालता है फर्दर, मतलब और भी आगे इन्फ्लेम करने का, इन्फ्लेम का मतलब होता है कि इस आग में घी डालना, मतलब कि बेसिकली किसी चीज़ को भड़काना, इंसाइड करना, प्रवोक करना। तो ये जो डिलीवरी है एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, ये खतरे में डालता है, रिस्क करता है और भी आगे इन्फ्लेम करने का, मतलब कि भड़काने का, किस चीज़ को, द कॉन्फ्लिक्ट, तो उस झगड़े को। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, जो कि कहाँ पे है, इन वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको और भी आगे इन्फ्लेम करने का रिस्क डालता है क्या, द डिलीवरी, डिलीवरी मतलब कि जो डिलीवरी किया जा रहा है सोफिस्टिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, ये रिस्क करता है और भी फर्दर इन्फ्लेम करने का कॉन्फ्लिक्ट को इन द वेस्ट एशिया। डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, तो बावजूद किसके, वाइड स्प्रेड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है कि इस व्यापक, जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंट्री के लोग इन्वॉल्व हो, है ना, जो कि क्या कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कि जो डिप्लोमेसी से संबंधित हो, जो कूटनीति से संबंधित हो। तो वाइड स्प्रेड क्या, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रहे हैं, मतलब कि प्रयास किए जा रहे हैं क्या करने के लिए, टू टू अवॉइड, तो अवॉइड करने के लिए, मतलब कि बचने के लिए, एन ऑल आउट वॉर, तो एक ऑल आउट वॉर, मतलब कि एक संपूर्ण युद्ध से बचने के लिए वाइड स्प्रेड क्या हो रहा है, मतलब कि बड़े पैमाने में एफर्ट्स हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रहे हैं ऑल आउट वॉर से बचने के लिए। इसके बावजूद भी ये जो डिलीवरी है ये खतरे में डाल सकता है कॉन्फ्लिक्ट को और भी भड़का सकता है आगे। द इरानियन वार्निंग केम इन अ पोस्ट ऑन एक्स लॉन्ग एसोसिएटेड विथ फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागीची, who noted the earlier reports that the United States was considering the deployment. देखिए the Iranian warning, तो जो Iranian, मतलब कि जो ईरान का जो warning है, चेतावनी है, came, ये आया किस चीज़ में आया, in a post, तो post पर, a post कहाँ पर, on X, तो X के एक post में आया, long associated, जो कि लंबे समय से associated है, मतलब कि जुड़ा हुआ है या link है किससे, with foreign minister Abbas अरागीची से। basically जो foreign minister Abbas अरागीची है उनका एक्स प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है लंबे समय से, तो वहां पे ये इरानियन वार्निंग आया। हु नोटेड, जिन्होंने नोट किया, अब देखिए ये हु है, ये किसके लगा है, अब्बास अरागीची के लिए, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, जिन्होंने क्या किया, नोट किया। नोट का दो मीनिंग होता है गाइस, पहला मीनिंग होता है किसी बात पर ध्यान देना, दूसरा मीनिंग होता है किसी बात का मेंशन करना, उल्लेख करने को नोट करना कहते हैं। तो यहां पे मेंशन करने के सेंस में यूज हुआ है। तो जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास
अरागिची है, उन्होंने नोट किया, मेंशन किया किस चीज़ का, अर्लियर रिपोर्ट, तो जो शुरुआती या पहले के जो रिपोर्ट्स है उसका मेंशन किया। अब देखिए रिपोर्ट्स क्या, दैट की द यूनाइटेड स्टेट की जो यूनाइटेड स्टेट्स है वॉज कंसिडरिंग, वो कंसिडर कर रहा है, कंसिडर का मतलब होता है कि किसी बात पर सोच विचार करना या प्लानिंग करना, कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो कंसिडर कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है किस चीज़ का, डिप्लॉयमेंट, मतलब कि डिप्लॉय करने के काम को, डिप्लॉयमेंट को। इजरायली फोर्सेज एंड हेजबुल्ला फाइटर्स इन लेबनान हैव बीन क्लैशिंग सिंस October 8, 2023, when the Lebanese militant group began firing rockets over the border in support of its ally Hamas in Gaza. देखिए जो इजरायली फोर्सेस है एंड हिजबुल्लाह फाइटर्स इन लेबनान, तो लेबनान में ये दोनों जो पार्टी है इजरायली फोर्सेस और हिजबुल्लाह फाइटर्स लेबनान में क्या करते आ रहे हैं, हैव बीन क्लैशिंग, तो ये लोग क्लैश करते आ रहे हैं। ये जो टेंस है गाइस ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, मतलब कि कोई काम किसी समय से शुरू हुआ है और वो अभी भी जारी है। तो दोनों फोर्सेस में कि जो इजरायली फोर्सेस है और जो हिजबुल्लाह फाइटर्स है लेबनान में, ये लोग क्लैश करते आ रहे हैं। क्लैश का मतलब होता है कि किसी से कन्फ्रंटेशन करना, मुठभेड़ करना, लड़ाई करने को क्लैश करना कहते हैं। तो ये लोग क्लैश करते आ रहे हैं कब से, सिंस अक्टूबर 8, 2023 से। अब ये क्लैश कब से स्टार्ट हुआ उसको बताया जा रहा है, व्हेन जब द लेबनीज मिलिटेंट, जब जो लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप है, देखिए मिलिटेंट का मतलब होता है कि उग्रवादी या लड़ाका, तो जो लेबनीज जो लड़ाका ग्रुप है उसने क्या किया था, बिगेन किया था, शुरू किया था, बिगिन का मतलब शुरू करना, बिगिन का सेकेंड फॉर्म होता है बिगेन, तो शुरू किया था क्या, फायरिंग, तो फायर करना किस चीज़ को, रॉकेट्स को, कहाँ पर, ओवर द बॉर्डर, तो बॉर्डर के ऊपर, इन सपोर्ट, तो सपोर्ट में, सपोर्ट किसके सपोर्ट में, इट्स अलाय, तो इसके अलाय। अब देखिए इट्स किसके लगा है, जो लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप है उसके लिए इट्स लगा है, तो लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप के जो अलाय है, अलाय का मतलब होता है मित्र या साथी, जो हमास है उसके सपोर्ट में, कहाँ पे, गाजा में। तो जब जो लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप है, जब उसने क्या किया था, फायर किया था रॉकेट्स को बॉर्डर के ऊपर सपोर्ट में, उनके हमास अलाई के सपोर्ट में गाजा में, तब से जो इजरायली फोर्सेस और हिजबुल्लाह फाइटर्स है लेबनान में क्या करते आ रहे हैं, क्लैश करते आ रहे हैं, कब से, October 8, 2023 से। लेट लास्ट मंथ इजराइल लॉन्च अ ग्राउंड इन्वेजन इन टू लेबनान, तो लेट लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने, लास्ट मंथ का मतलब होता है पिछला महीना, और लेट लास्ट मंथ का क्या मतलब होगा, पिछले महीने के आखिरी आखिरी आते आते, है ना, तो पिछले महीने के आखिरी आखिरी में इजराइल ने क्या कर दिया था, लॉन्च कर दिया था अ ग्राउंड इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण और ग्राउंड का मतलब होता है जमीनी स्तर पर, तो जमीनी आक्रमण कर दिया, लॉन्च कर दिया, अब कहाँ पे, इन टू लेबनान, तो लेबनान में पिछले महीने के आखिरी आखिरी में। Military response, Israel is widely believed to be preparing a military response to Iran's October 1st attack when it fired roughly 180 missiles into Israel. देखिए जो Israel है is widely believed, तो उसको widely believe किया जा रहा है, देखिए ये जो है passive voice है, widely का मतलब है सभी तरफ से, मतलब सभी जगह, ऐसा believe किया जा रहा है कि जो Israel है to be preparing, कि वो prepare कर रहा है, मतलब वो तैयारी कर रहा है एक military response का, response का मतलब होता है जवाब, और मिलिट्री का मतलब होता है सैन्य, तो सैन्य जवाब का प्रिपेयर कर रहा है। अब देखिए जवाब किसको, ईरान, तो ईरान के अक्टूबर 1st के अटैक का सैन्य जवाब की तैयारी कर रहा है। अब देखिए ये जो अक्टूबर 1 का जो अटैक है ईरान का, व्हेन उसमें इट फायर्ड, तो ईरान ने फायर किया था, दागा था रफली का मतलब होता है लगभग 180 मिसाइल्स को दागा था, कहां पे, इजराइल में, है ना, तो उसके बाद यू नो ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है एक मिलिट्री रिस्पॉन्स, मतलब उसके उसको रिस्पॉन्स करने का प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा है ईरान के अक्टूबर 1st के अटैक का, रिस्पॉन्स की तैयारी में है, ऐसा वाइडली मतलब सभी जगह ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि वो प्रिपेयर कर रहा है। इन अ ब्रीफ एक्सचेंज विद प्रेस पर्सन बिफोर लिविंग फ्लोरिडा ऑन संडे, मिस्टर बाइडन सेड ही अग्रीड टू डिप्लॉय द थर्ड बैटरी टू डिफेंड इसराइल। देखिए इनका मतलब है मैं, तो एक ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है छोटा, एक्सचेंज का यहाँ पे सेंस हो रहा है इस इंटरेक्शन के सेंस में, कि बातचीत है ना, तो एक छोटे से इंटरेक्शन में, अब इंटरेक्शन किसके साथ, विद प्रेस पर्सन, मतलब कि जो प्रेस पर्सन है, जो मीडिया पर्सन है उनके साथ छोटे से इंटरेक्शन में, बिफोर का मतलब पहले, तो ये जो एक्सचेंज है, मतलब कि जो इंटरेक्शन है प्रेस पर्सन के साथ, ये कब हुआ, बिफोर का मतलब पहले, लीविंग, तो लीव करने से पहले किसको, फ्लोरिडा, मतलब फ्लोरिडा से जाने से पहले एक ब्रीफ एक्सचेंज में, और जो कि कब हुआ, ऑन संडे, संडे को, तो इसमें, इस एक्सचेंज में, इस इंटरेक्शन में मिस्टर बाइडन सेड, मिस्टर बाइडन ने कहा
कि ही अग्रीड कि वो अग्री हुए थे, मतलब वो सहमत हुए थे टू डिप्लॉय, तो डिप्लॉय करने में सहमत है ना। डिप्लॉय क्या, तैनात क्या, द थर्ड बैटरी, तो थर्ड बैटरी को कहाँ, अब क्यों, टू डिफेंड इसराइल, तो इसराइल को डिफेंड करने के लिए, इसराइल को बचाने के लिए जो थर्ड बैटरी जो इक्विपमेंट है इसका जो डिप्लॉय करने का जो काम है उसको वो अग्री करे थे, मतलब उससे वो सहमत थे, ऐसा उन्होंने क्या किया सेड कहा उन्होंने। मिस्टर बाइडन स्पोक एट मैकडिल एयरफोर्स बेस इन टाम्पा आफ्टर मेकिंग अ क्विक विजिट टू सी द डैमेज कॉज्ड बाय हरिकेन मिल्टन एंड मीट विद फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स रेजिडेंट्स एंड लोकल लीडर्स। देखिए जो मिस्टर बाइडन थे उन्होंने क्या किया, स्पोक किया, बात किया कहाँ पे, एट मैकडिल एयरफोर्स बेस जो कि कहाँ पे है, इन टाम्पा, तो यहाँ पे उन्होंने स्पोक किया, बातचीत करी। आफ्टर का मतलब बाद, तो बाद किसके बाद बात करी, आफ्टर मेकिंग अ क्विक विजिट। देखिए मेक अ क्विक विजिट का मतलब होता है गाइस कहीं पे जाना कुछ समय के लिए, तो मेक अ क्विक विजिट किया मतलब वो गए क्या करने के लिए, गए टू सी तो देखने के लिए, क्या देखने के लिए, द डैमेज, तो जो डैमेज है जो कॉज हुआ जो कि कारण बना किस चीज़ से, बाय हरिकेन मिल्टन से। हरिकेन का मतलब होता है गाइस आंधी तूफान या चक्रवात को हरिकेन बोलते हैं। अब यहाँ पे हरिकेन को नाम दिया गया है, मतलब हरिकेन का नाम बताया जा रहा है मिल्टन, तो हरिकेन मिल्टन से कॉज हुआ, पैदा हुआ जो डैमेज है उसको देखने के लिए वो गए, एंड और साथ ही मीट करने के लिए, मिलने के लिए किससे, विद फर्स्ट रिस्पॉन्डर, तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, जो फर्स्ट में रिस्पॉन्ड करते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन हो गया, डॉक्टर्स, मतलब अगर कहीं पे कुछ दुर्घटना घटित होता है तो सबसे पहले कौन जाते हैं, फायर फाइटर्स जाते हैं, मतलब आग लगा है तो फायर फाइटर क्या करते हैं, फायर को बुझाते हैं, और जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो भी घायल हुए हैं उनको मदद करते हैं। तो ये कौन हो गए, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर से मिलने के लिए, और किन से, रेजिडेंस में कि जो निवासी हैं वहाँ के, उनसे मिलने के लिए गए, एंड लोकल लीडर्स और वहाँ के जो स्थानीय लीडर्स हैं उनसे मिलने के लिए। बाकी जो मिस्टर बाइडन है उन्होंने बात किया मैकडिल एयरफोर्स बेस में जो कि कहाँ पे है, टाम्पा में। किसके बाद बात किया, आफ्टर मेकिंग अ क्विक विजिट, तो थोड़े समय के लिए विजिट करने के बाद, अब देखिए विजिट क्या करने के लिए गए, डैमेज को देखने के लिए जो कि काउज हुआ था, जो कि पैदा हुआ था हरिकेन मिल्टन से, और साथ ही वो मिलने के लिए भी गए थे फर्स्ट रिस्पॉन्डर से और रेजिडेंट से और लोकल लीडर से। तो इसके बाद उन्होंने बात किया कहाँ पे, मैकडिल एयरफोर्स बेस में। मिस्टर राइडर इन हिज स्टेटमेंट सेड द डिप्लॉयमेंट अंडरस्कोर्स द यूनाइटेड स्टेट्स आयरन क्लैड कमिटमेंट टू द डिफेंस ऑफ इसराइल एंड टू डिफेंड अमेरिकन्स इन इसराइल फ्रॉम एनी फर्दर बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक बाय ईरान। देखिए मिस्टर राइडर इन हिज स्टेटमेंट, तो अपने स्टेटमेंट में मिस्टर राइडर ने क्या किया, सेड कहा द डिप्लॉयमेंट की, ये जो डिप्लॉय करने का जो काम है ये क्या करता है, अंडरस्कोर करता है। अंडरस्कोर का मतलब होता है गाइस किसी बात को हाईलाइट करना या किसी बात को एम्फेसाइज करना, मतलब जोर देके बोलने को अंडरस्कोर करना कहते हैं। तो उन्होंने अंडरस्कोर किया कि देखिए मिस्टर राइडर ने अपने बयान में कहा कि ये जो डिप्लॉयमेंट का जो काम है ये अंडरस्कोर करता है, मतलब ये बताता है किस चीज़ को, द यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट का जो आयरन क्लैड कमिटमेंट है उसको बताता है। कमिटमेंट का मतलब होता है गाइस वादा या वचनबद्धता, और आयरन क्लैड का मतलब होता है गाइस जो आयरन के जैसा मजबूत हो, तो यूनाइटेड स्टेट का जो मजबूत वादा है, कमिटमेंट है, वचनबद्धता है उसको बताता है। अब देखिए कमिटमेंट क्या करने का, टू द डिफेंस, तो डिफेंस में कि बचाव का, बचाव किसका, इसराइल, तो इसराइल के डिफेंस का कमिटमेंट उसको बताता है, एंड टू डिफेंड, और डिफेंड करने का कमिटमेंट, डिफेंड का मतलब होता है बचाना। देखिए डिफेंस जो यहां पे है ये नाउन है गाइस, और यहां पे जो डिफेंड है ये वर्ब है। डिफेंस का मतलब होता है बचाव, और डिफेंड करने का मतलब होता है बचाव करना। तो ये आयरन क्लैड कमिटमेंट है यूनाइटेड स्टेट का, उसको बताता है। अब आयरन क्लैड कमिटमेंट क्या करने का, मतलब क्या, किस चीज का, डिफेंस करने का, मतलब बचाव, बचाने का इसराइल को, और डिफेंड करने का अमेरिकन्स को जो कि कहां पे है, इसराइल में है। अब कहां से बचाना, फ्रॉम एनी, तो कोई भी जो फर्दर, मतलब आगे जो बैलिस्टिक मिसाइल होगा, बैलिस्टिक मिसाइल का जो अटैक होगा बाय ईरान, ईरान के द्वारा, उससे बचाने का जो कमिटमेंट है उसको ये अंडरस्कोर करता है, क्या, जो डिप्लॉयमेंट है वो।
इट वॉज नॉट इमीडिएटली क्लियर वेयर द थर्ड बैटरी वॉज कमिंग फ्रॉम और वेन इट विल अराइव. लेफ्टिनेंट कर्नल नडाव सोशानी एन इजरायली आर्मी स्पोक्स पर्सन डिक्लाइन टू प्रोवाइड एनी टाइम लाइन फॉर इट्स अराइवल बट थैंक द US फॉर इट्स सपोर्ट. देखिए इट वॉज नॉट इमीडिएटली क्लियर, तो ये तुरंत क्लियर नहीं हुआ था, मतलब ये तुरंत साफ नहीं हुआ था कि वेयर में कहाँ से द थर्ड बैटरी की जो थर्ड इक्विपमेंट है ये कहाँ से आ रहा था, है ना, वॉज कमिंग वेयर वॉज दिस कमिंग फ्रॉम, मतलब ये कहाँ से आ रहा था ये क्लियर नहीं था, और वैन इट विल अराइव ये कब पहुँचेगा कब अराइव करेगा ये तुरंत क्लियर नहीं हुआ था. ल्यूटिनल कर्नल जो है नाडव सोशानी जो कि कौन है, एक इजरायली आर्मी स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने डिक्लाइन कर दिया. डिक्लाइन का मतलब है मना कर देना, तो इन्होंने मना कर दिया. क्या करने से मना, टू प्रोवाइड तो देने से, एनी टाइम लाइन तो कोई भी समय सीमा, किसके लिए, फॉर इट्स अराइवल, तो ये कब आएगा, इसका अराइवल कब होगा, इसका जो टाइम लाइन है उसको देने से मना कर दिया. बट लेकिन थैंक, लेकिन उन्होंने धन्यवाद किया किसको, द US, तो US को थैंक किया फॉर इट्स सपोर्ट, तो US के सपोर्ट के लिए उन्होंने धन्यवाद किया और मना कर दिया कोई भी टाइमलाइन को बताने से. द थर्ड इज कंसिडर्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम टू द पैट्रियॉट बट इट कैन डिफेंड अ वाइडर एरिया, इट कैन हिट टारगेट्स एट रेंजेस ऑफ 150 टू 200 किलोमीटर्स. देखिए द थर्ड, तो ये जो थर्ड सिस्टम है इस कंसिडर्ड, इसको कंसिडर किया जाता है, इसको माना जाता है कि ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो किसी को कंप्लीट करे, किसी का पूरक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है किसका, टू द पैट्रियॉट, तो पैट्रियॉट भी कोई इसी तरीके का सिस्टम होगा, तो इसको पूरा करने वाला ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है. बेसिकली ये दोनों मिलके काम करते हैं, पैट्रियॉट और थर्ड. बट लेकिन इट कैन डिफेंड, लेकिन ये जो थर्ड सिस्टम है ये क्या कर सकता है, डिफेंड कर सकता है, रक्षा कर सकता है एक वाइडर एरिया, मतलब एक बड़े एरिया का, एक विस्तृत एरिया का. इट कैन हिट, और ये हिट कर सकता है टारगेट्स को एट रेंजेस ऑफ 150 टू 200 किलोमीटर्स. तो 150 से 200 किलोमीटर का जो रेंज है उसमें ये क्या कर सकता है, उसके रेंज तक ये हिट कर सकता है. इट कैन हिट टारगेट को किसके, कितने रेंज पर, 150 से 200 किलोमीटर के रेंज पर. सो दिस इज द न्यूज़ गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड. अगर आपको समझ आया हो देन डू थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज चंदन खरे. आई बी मेकिंग सच काइंड ऑफ कॉन्टेंट इन फ्यूचर, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.